अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा यास्मीन और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल किचन होम में। जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और साथ बताने जा रही हूँ कि चूज़े की टांग अगर टूट जाए तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, और वो तरीका जो मैंने इस्तेमाल किया है इसकी टांग ठीक करने के लिए वही मैं आपको बता। ये आप देख रहे हैं जी, अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया है। इसको एक हफ्ते से ऊपर हो गया है मैंने इसको बांधा हुआ है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हल्दी जो है पानी में घोल के जो है वो ऊपर लेप लगा दिया था, और इसके बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से जो है ना ये माचिस की तीलियाँ रख के उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से कस के पट्टी बांध दी थी। तो अब इसकी टांग ये काफ़ी बेहतर है, ये आप देखें, ये अब माशाल्लाह से सही चल फिर रहा है। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपने भी घर में चूज़े रखे हों और किसी वजह से उनकी टांग इस तरह का मसला हो जाता है, टूट जाती है, दब जाती है, तो आपने सिंपल सी हल्दी लेनी है, ठीक है जी, और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, उसका लेप सा बना के ऊपर लगाना है जिस जगह से टांग टूटी हुई है, और ऊपर इस तरह से तीलियाँ रख के ना साइडों पे ऊपर कस की पट्टी बांध देनी है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ जिसने इसकी बांधी हुई हो। तो अब ये देखें आप, काफ़ी ये जो है ना इसकी मूवमेंट ठीक हो गई। तो इस तरह आपने करना है, ये सबसे ईजी तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह निगेबान।